मुझे खुशी है कि आज राजेश जी इनके साथियों ने एक फिटनेस सेंटर यहाँ पर खोला है जयपुर के लिए, और बड़ा एडवांस और आधुनिक यहाँ पे इक्विपमेंट लगाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा लेंगे और हर वॉक ऑफ लाइफ में अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये उस दिशा में बहुत लाभदायक साबित होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंसस 2021 में होनी थी उसको अब 2025 में कंडक्ट कराने जा रही है, और सरकार का कहना है कि अब हर 10 साल का साइकिल 2035-45 इस तरीके से चलेगा। सरकार की मंशा हमेशा आंकड़ों को दबाने की है। इस सरकार ने लगातार सारे आंकड़ों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया है, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हों, चाहे वो भुखमरी के आंकड़े हों, गरीबी रेखा के आंकड़े हों। अपना प्रचार करने के लिए नारे देते हैं, लेकिन जो NSSO के आंकड़े हैं या जो भारत सरकार के जो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सेंसस को उन्होंने जानबूझ के पोस्टपोन किया है कोविड का बहाना देकर, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द, हमारी पार्टी हमेशा बोलती है कि हमें सेंसस करना चाहिए, कास्ट सेंसस करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने सेंसस करना तो दूर, गिनती करना बंद कर दिया, और जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं उसको भी प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार आंकड़ों का खेल ना खेले और जनता के सामने वास्तविक स्थिति प्रकट करने के लिए आंकड़ों का चयन ढंग से करे। और सेंसस करना आज से नहीं हो रहा है, ये दशकों से हर 10 साल में होता था, जानबूझ के इसमें विलंब किया गया है, और कहीं ना कहीं सरकार नाकामी छुपाने के लिए बेस्ट तरीका है, आप आंकड़े छुपाइएगा और भाषण दीजिएगा। आंकड़े जब तक नहीं होंगे तब तक संवाद कैसे होगा, डिबेट्स और पॉलिसी मेकिंग कैसे हम लोग कर पाएंगे, इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो चाहते सेंसस हो, और जब तक आप टारगेटेड बजटरी एलोकेशन नहीं करेंगे, नीति निर्माण नहीं होगा, हमको पता ही नहीं होगा कितने लोगों को कहाँ लाभ मिल रहा है। आप बस अपनी पॉलिटिकल सुविधा को देखकर अगर बजट पेश करेंगे उसका लाभ नहीं मिलता है। तो एक टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है, और जब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कितने लोग लाभ उठा चुके हैं, कितने लोग वंचित रह गए हैं, उसका चयन सिर्फ आंकड़ों के आधार पर हो सकता है। आप अपनी पॉलिटिकल हित साधने के लिए, आप जैसे अब दो राज्यों के जो नेता हैं उनके सारे पर केंद्र सरकार चल रही है, एक नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उनको खुश करने के लिए आपने 1,00,000 करोड़ रुपये दे दिए। हमारा विरोध बिहार और आंध्र के लोगों से नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल हित साधने के लिए किया गया ना। अगर हमको मालूम ही नहीं है कि कितने लोग वंचित रह गए हैं, कितने लोग लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो हम लोग कैसे नीति निर्माण कर पाएंगे। और पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। पिछले 3 दिन से डबल इंजन के 2 इंजन टकरा रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान के सरकारों में रोडवेज को लेकर के इशू हो रहा है, दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे की रोडवेज के चालान। देखिए ये तो एक छोटा उदाहरण है, लेकिन ये कहाँ कहाँ टकराव हो रहा है, सत्ता में हो रहा है, सत्ता के अंदर हो रहा है, संगठन में हो रहा है। अब दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स BJP की हैं, फिर भी अगर लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, जनता पे बोझ पड़ रहा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? केंद्र सरकार आपकी है, राजस्थान सरकार आपकी है, हरियाणा सरकार आपकी है, अब किसको दोष देंगे आप? अगर आपस में समन्वय नहीं है, और सिर्फ एक रोडवेज की बात नहीं है, अनेक ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में तालमेल नहीं है, वाटर शेयरिंग पर नहीं है। आज तक जो MOU साइन हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उस हरियाणा का भी, उस MOU के कोई दर्शन नहीं कर पाया। घोषणाएं हो गई हैं, मिठाई बट रही हैं, लेकिन MOU में लिखा क्या है किसी को पता ही नहीं है। जब सरकारें आपकी हैं तो फिर छुपाने में क्या, किससे, लोगों से आप क्यों इस हकीकत को छुपाना चाहते हैं? जवाब नहीं दे पाएगी सरकार। अरे ये नाम बदलने में माहिर हैं, आप सड़कों के नाम बदल दो, संस्थाओं के नाम बदल दो, और गाय के नाम पर तो सिर्फ वोट ही लेते हैं ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता दी है, और गाय की रक्षा संरक्षण, उनको उनकी सुरक्षित रखना, ये काम सरकारें हमारी करती थी। आज इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं, और ये सरकार सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेना जानती है ना। गायों को अनुदान कितना दिया है, खर्चा कितना किया है, उसके आंकड़े दीजिएगा, लेकिन आंकड़े दबा देते हैं। आंकड़े देने नहीं, भाषण देना है, गाय के नाम पर, भगवान नाम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। अंत में लोग इससे थक जाएंगे, और थक चुके हैं। आज पूरे देश में माहौल बन चुका है, भाजपा के खिलाफ लोग मन बना चुके हैं, अब तो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है 29 की, लोकसभा की बता रहा हूँ। और राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जो जिस तेवर में सरकार की जवाबदेही तय की है, सवाल पूछे हैं और अकाउंटेबिलिटी मांगी है, वो सरकार दे नहीं पा रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, दोनों सरकारें इंडिया अलायंस की बनने जा रही हैं। बाय इलेक्शंस बहुत जगह हो रहे हैं, प्रियंका जी लड़ रही हैं वायनाड से, विधानसभा के चुनाव राजस्थान में 7 जगह है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, हर जगह कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, और हम अच्छे बहुमत के साथ सब चुनाव जीतेंगे। गठबंधन नहीं कर रहे थे राजस्थान में, आपने पहले गठबंधन किया, इलेक्शन का असर पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं पड़ेगा। अब वो इलेक्शन हो गया, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि 10 साल के सरकार भाजपा के लोग देख चुके थे, बदलाव चाहते थे।
किसी कारणवश हम बहुमत तक नहीं पहुंच सके हैं, उसके अनेकों कारण हैं। जो हमारे हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने पिटीशन दायर की है, वो कचहरी भी जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन इसका ये मानना नहीं है कि लोग भाजपा से थक नहीं चुके हैं, क्योंकि लंबा समय भाजपा को गवर्न करने का दिया है दिल्ली में और राज्यों के अंदर, और मुझे लगा है लोग अपना मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के साथ खड़ा रहना है। जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। सीट शेयरिंग में हम आपसी समझौता करके आगे बढ़ते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो। यहाँ पर हमने सबको सपोर्ट किया, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग साथ आ रहे हैं, और सब लोग बात करके चर्चा करके तब आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि भाजपा एनडीए को हराना, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की टीम है आपकी, क्या मुद्दे रहेंगे उपचुनाव में राजस्थान में, क्योंकि आपकी व्यवस्था गहलोत साहब की और आपकी दोनों की महाराष्ट्र में बढ़ गई है, कैसे मैनेज करेंगे? मैं कल मराठवाड़ा जा रहा हूँ दौरे पर, लेकिन जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं पूरा नेतृत्व हमारी पार्टी का, चाहे वो राष्ट्र नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, हम सब मिलकर कैंपेन करेंगे। हमारे सातों जगह हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं, हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से हर चुनाव एक चुनौती होती है, लेकिन ये सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि एक साल सरकार को हो गया और इतनी जल्दी जनता से जनता का मोह भंग हो जाए, ये पहली बार देखा है। एक साल पूरा हुआ नहीं है, जल जीवन मिशन काम ठप पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम ठप पड़े हैं, वित्तीय संकट पैदा हो रखा है, सरकार में प्रशासन यहाँ खींच रहा है, बाबू वहाँ खींच रहे हैं, नेता वहाँ खींच रहे हैं, संगठन कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि उसमें लोग पिस रहे हैं और उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। इस बात पर सब लोग ध्यान देंगे, बाय इलेक्शंस हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और हर जगह चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अब चुनाव का नामांकन कल ख़त्म हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए और जो भाजपा ने अब तक का शासन दिया है उस पर चर्चा करनी चाहिए और आंकड़ों के साथ करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया नहीं किया उसका विवरण दें और अपने साल भर की हम बताएं। 14 लाख करोड़ का MOU साइन कर रखा है, एक MOU 3-3 बार साइन कर रहे हैं, धरातल पर कितने उतरेंगे? ये काम वसुंधरा जी ने भी किया था पहले, लेकिन भाजपा की सरकार की गवर्नेंस टेस्ट पर रहेगी। लोग मन बना चुके हैं और आईना दिखाने का काम करेंगे। मैंने कहा ना, सातों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारे जितने भी साथी अगर इस भ्रम में हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गवर्नेंस के दाम पर जीत सकती है तो उनको गलतफहमी है, कांग्रेस पार्टी सातों सीट जीतेगी।